विगत कई दिनों से झारखंड राज्य अनुसूचित कर्मचारी द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और आंदोलन का स्वरूप इतना हो गया है कि पूरे गुमला जिला की जो कार्यालय है वो पूरी तरह से वहाँ पर कामकाज बाधित हो गया है। और अभी इस आंदोलन को और तेजी पहुँचाने के लिए राज्य सरकार के जो इनके पदाधिकारी हैं, स्टेट के जो लेवल के पदाधिकारी हैं, वो आए हैं और लगातार कर्मचारियों को बूस्टअप कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर मंत्रिमंडल का हो या विधायकों का या मंत्रियों का कोई अगर बढ़ोतरी की बात होती है तो सडनली पास हो जाता है, लेकिन कर्मचारी जो लंबे समय से मांग करते हैं उनकी मांग पूरी नहीं होती है। और इनका स्पष्ट मांग है, ये वेतन मान तो पा ही रहे हैं लेकिन चतुर्थवर्ती कर्मचारी जो कैपेबिलिटी रखते हैं, जो एबिलिटी रखते हैं, उनका प्रमोशन हो जाता है तो उन्हें मान सम्मान मिलता है। हमारे साथ यहाँ उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे हम जानना चाहते हैं, सर क्या लगता है कहाँ पर दिक्कतें हो रही है? देखिए, दिक्कत कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने तो बहुत सार्थक बात कही है कि आप जो हैं, हाई पावर कमेटी बनी थी, राज्य सरकार के द्वारा ही बनाई गई थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समय ही बनी थी 2014 में। और उस हाई पावर कमेटी की जो अनुशंसा है, जिसमें कि मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी और पर्सनल सेक्रेटरी, लोग जितने ऊंचे पदाधिकारी लोग उसमें मेंबर थे, और उन लोगों ने अपनी अनुशंसा की है कि अन्य राज्यों में जो परिवर्तन किया गया है इनके वेतन मान में, खासकर एलडीसी का 1900 ग्रेड पे है और 10 साल के बाद जो है 100 रुपया बढ़ता है। तो एलडीसी, यूडीसी और बाकी जो पद है जो अन्य राज्यों में परिवर्तन किया गया है, उस परिवर्तन को देखते हुए झारखंड में भी जो बेहतर व्यवस्था है वो दिया जाए। अब ये चीज़ जो है सो 14 से 24 हो गया, 10 साल हो गया, 2 साल से लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं अन्य भी सभी मांगों के संदर्भ में कि भाई ये सब चीज़ देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अनुशंसा है, पद सृजन करने के लिए अनुशंसा किया, उसका फाइल आप बढ़ाए हैं तो उसको टाइम बाउंड कीजिए। अब पिछले आप 8 साल से जो है सो कर ही रहे हैं पद सृजन की कार्रवाई, मनसा सही नहीं। हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि वो जनता का भला हो या कर्मियों का भला हो, लेकिन बीच में जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं ना कहीं चीज़ों को इस तरीके से उलझा देता है जो कि जिससे कि न कर्मचारियों की बात उन तक पहुंच पाती है और न उनकी बात, उनके द्वारा जो कहे गए चीज़ हैं वो कर्मचारियों को लाभ मिल पा रहा है। तो ये सिस्टम को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्डिंग बनाने की आवश्यकता है, प्रयास ये होना चाहिए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जल्दी वार्ता हो और हमारी जो जायज और नियम संगत डिमांड है उसको पूरा किया जाए। क्या लगता है कहां गैप है, कैसे इसको पाटेंगे आप लोग ताकि आपका प्रभाव हो सके और इनकी मांगे पूरी हो सके? सचिवालय स्तर से जो गति होनी चाहिए थी संचिका बढ़ने की, वो नहीं बढ़ी है। और हम लोग 2022 से ही क्रमबद्ध आंदोलन करते रहे, सांकेतिक रूप से काला बिला लगा करके प्रदर्शन करना, कैंडल मार्च करना। माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी हम लोग 23 में मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीना में कुछ करवाता हूं आप लोगों का, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया काम। हम लोग अधिक का डिमांड नहीं कर रहे हैं, केवल 1900 जो ग्रेड पे है उसको बढ़ाकर 2400 करने के लिए बोल रहे हैं। 10 साल में अगर 100 रुपया बढ़ेगा तो बंधुआ मजदूर से भी खराब स्थिति है, वो शोषण है। वो तो मात्र 500 रुपया हम लोग वेतन बढ़ा, हम लोग 28 सभी करने के लिए बोल सकते थे, 42 सभी करने बोल सकते थे वेतनमान को, ग्रेड पे को, लेकिन हम लोग केवल 500 रुपया ग्रेड पे बढ़ाने बोल रहे हैं। और जो हमारे अनुसेवी भाई लोग हैं वो सभी 24 जिले में, आपको पता होगा 20 साल 25 साल उन लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ है, एक परीक्षा उसमें डाल दिया गया। तो जी अनुसेवी लोगों के लिए भी जो है सो ऑलरेडी वेतन पा रहे हैं वो लोग, उनको केवल आप प्रमोशन दे दीजिए बिना परीक्षा का, योग्यता में बढ़ता के आधार पर सबको लोग कंप्यूटर वगैरह भी ऑफिस है उसके सभी सेक्शन में काम पूरी तरह ठप है, जनता को हकलान होना पड़ रहा है। और हम लोग ये नहीं चाहते हैं, हम लोग चाह रहे थे कि 1-2 दिन में हम लोगों से वार्ता हो जाए और हम लोग इसको वापस जाएं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है हम लोगों के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी वो करे और पद सृजन का जहाँ तक हम लोग मांग कर रहे हैं, मुख्य मांग में हमारा एलडीसी का 24 से ग्रेड पे करना, पद सृजन करना। पद सृजन करना इसलिए बोल रहे हैं कि 1958 के आबादी के अनुरूप में अभी तक पद का पद सृजन उसी पर काम चल रहा है। वर्तमान में अगर जनसंख्या के आधार पर अगर पद सृजन होगा तो हजारों युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा और हम लोगों का कार्य बोझ जो है वो भी खत्म होगा। और अनुसेवी लोगों का प्रमोशन हो जाने से अब कार्य में जो कार्य का जो सुचारू है वो गति उसमें मिल जाएगी। क्या लगता है ये प्रदेश से पदाधिकारी आए हैं तो आपके आंदोलन को कितना तेजी मिलेगा? ये लोग आए हैं तो हम लोग को तेजी मिलेगा, हम लोग 9 सूत्री मांग लेके 22 तारीख से हम लोग हड़ताल पर हैं। पूरा काम बाधित है पूरा गुमला जिला में। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? गुमला जिला तो शुरू से ही एक्टिव है और हमारे पदाधिकारी के आने से जो भी हमारे जो साथी हैं, जो अभी और नए लोगों को नया ऊर्जा मिलेगा और हम लोग में जो जानकारी का अभाव था वो जानकारी मिल गया, अब हम नए अपने साथियों को बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी को यहाँ पे इसके माध्यम से
और सरकार तक अपनी डिमांड को रख। साथ ही साथ इन मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन हो रहा है, सरकार भी तमाम चीज़ों को समझती है, बावजूद इसके जो विलंब हो रहा है निश्चित रूप से कर्मचारियों में थोड़ा बहुत निराशा का माहौल है और ये मान सम्मान की बात है। ऐसे में जब अपने मंत्रिमंडल की बात होती है, उन्हें प्रमोशन देने की, उनको वेतन वृद्धि की बात होती है, अन्य सुविधा देने की बात है, तो कैबिनेट में तुरंत फैसला हो जाता है। लेकिन राज्य के जो निचले स्तर के लोग हैं, जो राज्य को मजबूती प्रदान करते हैं, विकास कार्यों को तूल देते हैं, विकास कार्यों गति को प्रदान करते हैं, वैसे कर्मचारी विगत कई दिनों से आंदोलन में है और इनके आंदोलन को लेकर अभी तक सरकार ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की है, निश्चित रूप चिंता का विषय है। जिला स्तरीय कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे थे, उन्हें राज्य स्तरीय पदाधिकारियों का जो समर्थन मिलता है तो ये बूस्टअप होंगे और ये आंदोलन और तेज पकड़ेगा। ऐसे में देखने लायक बात ये होगी, सरकार कब तक इनकी मांगों को मानती है और कब तक विकास कार्यों की गति को सुचारू करती है, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि कर्मचारियों का यह आक्रोश अगर निश्चित रूप से समय पर शांत नहीं हुआ तो सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।